नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टैक वॉल पर। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इन एयरपोड्स को चार्जिंग किस तरह से कर सकते हो, इसको कितने घंटा चार्जिंग करना चाहिए, अगर ये चार्जिंग फुल हो गया तो इसमें कौन सी लाइट जलेगी, और इस केस का आखिर क्या काम है, क्या इससे चार्जिंग होती है या मोबाइल के चार्जर द्वारा आप इन एयरपोड्स को चार्जिंग कर सकते हो, अगर इसकी बैटरी लो हो गई हो तो आप इसको कैसे पता कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारे डाउट्स आपके माइंड पर ज़रूर होंगे अगर आपने एक नया एयरपोड्स लिया होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिए, आपके माइंड पर जो सारे डाउट्स है चार्जिंग को लेकर इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको एक नया एयरपोड्स लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हाईटेज का एयरपोड ज़रूर ले लीजिए। मैंने इसका रिव्यू भी कर दिया है, ये ज़्यादा नहीं 1000 से 1300 तक मिल जाता है, सभी सिटीज़ में इसका अलग अलग प्राइस है, तो आपको ये 1000 से 1300 1400 के बीच आपको मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छी कंपनी का ये हाईटेज एक ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, और ये मतलब आपको बहुत ही अच्छा वॉइस क्वालिटी देगा, बेस भी ठीक ठाक है। तो आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस को देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियोस बनाई हैं कि इसको ऑन कैसे करें, इसका पूरा अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू भी कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पर इसको जाकर देख सकते हो। गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको इसके चार्जिंग के डिटेल्स पूरे बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और जान जाइए, अपने माइंड में जितने भी क्वेश्चन है इसके बारे में उसको सुलझा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रहा हमारा एयरपोड्स, ये है हमारा चार्जिंग का केस, ये है हमारा एडाप्टर और ये है लाइटनिंग केबल। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरे को ये एडाप्टर है वो मेरे को एयरपोड्स के साथ नहीं मिला, ये मेरे मोबाइल का एडाप्टर है, सैमसंग मोबाइल का है, यहाँ पर आप देख सकते हो नाम भी लिखा है। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका पहला डाउट है वो उसको क्लियर करता हूँ। सो दोस्तों, आपका पहला डाउट ये होगा कि अगर आपके जो एयरपोड्स का चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो आपको इसका पता कैसे चलेगा। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पास आपके मोबाइल पर खुद अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके एयरपोड्स की चार्जिंग ख़त्म होने वाली है, तो आप इसको चार्जिंग पर लगा दीजिए। तो दोस्तों, इससे क्या आपको पता चल जाएगा कि मेरे एयरपोड्स की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे इसको चार्जिंग पर लगाना है। सो पहला डॉट क्लियर। अब दोस्तों, बात आती है कि आप इसको चार्जिंग कैसे करोगे। सो दोस्तों, इसको चार्जिंग करने के लिए आपको ये केस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपका एयरपोड्स चार्जिंग नहीं होगा। आप इसको चार्जिंग कैसे कर सकते हो ये भी बताता हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अपने एयरपोड्स को चार्जिंग करने के लिए ज़रूरी है और इसका भी चार्जिंग चाहिए होता है, इसको भी बैटरी चाहिए होता है। सो इसके लिए दोस्तों आपको इसे भी चार्जिंग करना पड़ता है। आप इसको चार्जिंग कैसे कर सकते हो, आप इसको चार्जिंग इस लाइटनिंग केबल और इस एडाप्टर को कनेक्ट करके इसके साथ यहाँ से कनेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास आपको थोड़े बहुत पटाखे की भी आवाज़ आ रही है, इधर बाजू बाजू में फूट रहा है, मेरे कानों पर दर्द हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम गोली मारते हैं। यहाँ पास दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसका चार्जिंग ख़त्म हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा, उसके बाद आपको मैंने बताया कि आप इसको चार्जिंग कैसे कर सकते हो। यहाँ पास ये ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो, इसको ऐसे करके ऑफ कर देना, यहाँ पास टच होने से ही ऑन हो चुका है। इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना दिया कि आप इसको ऑन कैसे कर सकते हो, कनेक्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पास मैं आपको बता रहा था कि इसका पता कैसे चलेगा, इसका जो बैटरी लो होने वाला है उसका पता कैसे चलेगा, फिर आप इसको कैसे चार्जिंग कर सकते हो, यहाँ पास था। सो आप इसको इससे चार्जिंग कर सकते हो और इसका भी बैटरी जो है, इसका भी बैटरी जाता है, तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैं भी इसको पूरा बताने जा रहा हूँ कि कैसे करना है, प्रैक्टिकल तौर पर बताने जा रहा हूँ। मैं भी आपको ऐसे मुंह में बताया और समझा दिया सब थोड़ा सा पहले से, ताकि जब मैं प्रैक्टिकल करूँ तो आप, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इस कारण मैंने बता दिया है। तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि इसको आप ऐसे डाल देना और इसका इसको ऐसा डाल देना। ठीक है, और यहाँ पास अंदर में लाइट जल रही है, मतलब कि हमारे एयरपोड्स जो है वो चार्जिंग हो रहे हैं। मैं आपको लाइट को ऑफ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पास आप देख सकते हो ऐसा हो रहा है, मतलब हमारा जो एयरपोड्स है वो चार्जिंग हो रहा है। और मान लीजिए इसका लाइट नहीं जल रहा है तो आप समझ जाना कि इसकी चार्जिंग फुल हो चुकी है। जब इसकी चार्जिंग फुल हो जाती है तो लाइट नहीं जलता है। ठीक है,
उसका दोस्तों आता है चार्जिंग केस का बता देता हूँ। यहाँ पर ब्लू लाइट जल रही है, मतलब दोस्तों आपके चार्जिंग केस पर चार्जिंग फुल है। और मान लीजिए इसका जो ब्लू लाइट है वो जलना बंद हो जाए, ये ब्लू लाइट आपको दिखाई दे रहा होगा, वो जलना बंद हो जाए तो आप समझ जाना कि हमारे चार्जिंग केस का भी जो चार्ज है वो ख़त्म हो चुका है, तो आपको इसको भी चार्ज करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जो ये एयरपोर्ट्स है उसको कम से कम 45 मिनट ज़रूर चार्ज करना है, इससे जो है 100% बैटरी वो पूरा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 45 मिनट ज़रूर चार्जिंग करें, जिससे कि आपका बैटरी है वो फुल हो जाएगा। और आपको अपने जो चार्जिंग केस है उसको कम से कम 3 से 4 घंटे चार्जिंग करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ये आपको कम से कम 2 से 3 दिनों का जो बैटरी बैकअप है वो आपको देगा। आप सीधे इसको ऐसे डाल देना, ऐसे रख देना, फिर ये 45 मिनट तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आएगा होगा दोस्तों कि आपको इसको कैसे चार्जिंग कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको इसको भी इसके साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, सो गाइस यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने इन एयरपोर्ट्स के चार्जिंग केस को कैसे चार्जिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसको चार्जिंग करने के लिए आपको ये अडॉप्टर चाहिए होगा और ये लाइटनिंग केबल, जैसे कि मैंने शुरू में भी बता दिया था। और दोस्तों इसको सीधा आप यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ये देखिए, और इसको यहाँ पर अपने जो प्लग है वहाँ पर प्लग इन कर दीजिए। और उसके बाद इसको इस केबल को यहाँ पास प्लग इन कर दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद ये बटन है उसको ऑन कर दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए मतलब। और दोस्तों यहाँ पास मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ लाइट ऑफ करके। अगर ये जो रेड लाइट दिखाई दे रहा है, अगर वो बार बार जले और बंद हो, फिर से ऑन हो, फिर से ऑफ हो, ऑन हो, ऑफ हो, ऑन हो, ऑफ हो, तब समझ जाना कि आपका जो चार्जिंग केस है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। और मान लीजिए ये जो दिखाई दे रहा है वो रेड, अगर ये जलना बंद हो जाए और सिर्फ रेड रहे, जलना बंद होकर सिर्फ रेड रहे, मतलब ये ऑफ ऑन होना बंद हो जाए और सिर्फ रेड रहे यहाँ पास, तो आप समझ जाना कि आपका जो चार्जिंग केस है वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 3 से 4 घंटे चार्जिंग करें, ये आपको लगभग 2 से 3 दिनों की बैटरी बैकअप दे देगा आपके एयरपोर्ट्स को चार्जिंग करने के लिए। तो हमको और क्या चाहिए, 2 से 3 दिनों का बैटरी बैकअप मिल जाएगा 3 से 4 घंटे की चार्जिंग पर। और यहाँ पर सीधा आप अपने एयरपोर्ट्स को डाल दीजिए और चार्जिंग पर रख दीजिए। 45 मिनट में आपका एयरपोर्ट्स चार्जिंग, आपका चार्जिंग केस को यहाँ पर प्लग इन कर दीजिए, 3 से 4 घंटे में आपका चार्जिंग केस चार्जिंग, ठीक है। बस हो गया, बस यही था, यही जानना था आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।